नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे इस खास कार्यक्रम में। बहुत गजब कर दिया मोदी ने, बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार के खातों में कुछ गड़बड़ है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे बयान नहीं है, ये सीएजी कह रहा है। जिस सीएजी ने कांग्रेस की सरकार गिरा दी 2014 में, उसका यह बयान है। इन दिनों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के हवाले से कई मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी कामकाज की बड़ी खामियां सामने आ रही हैं, मोदी सरकार की खामियां सामने आ रही हैं। कुछ दिन पहले कैग की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पेंशन योजना के फंड में हेराफेरी का दावा किया गया था। फिर आयुष्मान भारत योजना की खामियां सामने आई थी। इसके अलावा अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी अनियमितताएं निकली थी। अब एक नया खुलासा हुआ है और इस खुलासे ने और हैरानी पैदा की है। टेलीग्राफ ने इस पर एक विस्तार से रिपोर्ट छापी जो आप देख रहे हैं। कैग की नई रिपोर्ट के हवाले से मोदी सरकार में नए भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए एक डिटेल्ड रिपोर्ट है ये। आपको मैं उस रिपोर्ट का कुछ हिस्सा दिखा और बता रहा हूं। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मोदी सरकार ने कैसे गड़बड़ झाला किया। सवाल पूछता हूं कुछ तो। पहला सवाल ये है कि विदेश से जो कर्ज लिया गया उसमें से 2.19 लाख करोड़ रुपया कहां गया? इसके बारे में कुछ नहीं पता। प्रोविडेंट फंड का 21,560 करोड़ कहां गया, क्यों कम दिखाया गया, कुछ नहीं पता। लेवी और सेस के पैसे का बड़ा डायवर्जन कैसे हुआ, पता नहीं ये पैसा कहां गया। कम से कम 15 सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी किसे बेची गई, नहीं पता। बड़े सरकारी पैसे को करंट अकाउंट में रखा गया, ब्याज का नुकसान किया गया, क्यों किया गया, इसके बारे में किसी को नहीं पता। रिपोर्ट ये कहती है कि केंद्र सरकार के खातों में कुछ तो गड़बड़ है और स्थिति को बड़े लंबे समय तक गड़बड़ रहने दिया गया, खराब रहने दिया गया और गड़बड़ी को सुलझाने की कोई वास्तविक कोशिश नहीं की गई, ये चौंकाने वाला है। पिछले महीने केंद्र के खातों के लेखा परीक्षक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी ने एक रिपोर्ट पेश की थी, बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट थी, जिसमें यह पता चला था कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार और उसके लेखाकारों ने सार्वजनिक पैसे के गुप्त भंडार बनाए हुए हैं। रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि हमसे और आपसे जो सेस लिया जाता है, जो उपकर लिया जाता है, वो केंद्र सरकार के पास बेकार पड़ा रहता है और इसका इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए किया जाता है, जिसके लिए लिया जा रहा है उसके लिए नहीं किया जाता, ये नियमों के खिलाफ है। यानी आम आदमी टैक्स दे दे के मर रहा है और सरकार अपनी मनमानी कर रही है आम आदमी को बिना बताए। सेस एक विशिष्ट उद्देश्य से लिए सरकार द्वारा जो कर होता है उसके लिए लिया जाता है, ये अतिरिक्त कर होता है एक तरीके से, और शुरू में भारत के समेकित कोष यानी सीएफआई में ये रखा जाता है। ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार नकदी आधारित लेखांकन प्रणाली का पालन करती है। इसका मतलब यह है कि लेनदेन को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब नकद भुगतान किया जाता है या प्राप्त किया जाता है। निजी कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली संचय आधारित जो प्रणाली होती है उसके विपरीत, जहां आय की पहचान तुरंत होती है, वो ये है। 12वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार संचय आधारित प्रणाली पर स्विच करे, जिसे अपनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन अभी तक यह हुआ नहीं है। नकदी आधारित प्रणाली की अपनी कमजोरियां हैं, लेकिन ये अभी भी सरकार के खातों में धोखाधड़ी के बढ़े हुए स्तर को स्पष्ट नहीं करती है, यानी कैसे गड़बड़ झाला हो रहा है ये नहीं बताती। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ने नाम न बताने की शर्त पर एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि सीएजी के पास कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(a) और उसकी टिप्पणियों सहित पूरक ऑडिट की मांग करने की ताकत है। महत्वपूर्ण टिप्पणियां सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट के साथ संसद के समक्ष रखी जा सकती हैं। इसके बाद विपक्ष इस मामले को उठा सकता है और सरकार से जवाब मांग सकता है, जवाब तलब कर सकता है, सरकार को घेर सकता है। सीएजी ने कहा है कि सरकार ने 6.01 लाख करोड़ रुपए की देनदारियां दिखाई, जबकि यह आंकड़ा वास्तव में 6.23 लाख करोड़ रुपए था। इस हेराफेरी का मतलब क्या था? इस हेराफेरी का मतलब था अपनी छोटी बचत देनदारियों को 21,560 करोड़ रुपए कम करके दिखाना। ऐसा क्यों किया गया, इसका जवाब सरकार ने दिया नहीं। क्या को यह बात और है कि सरकारी लेखांकन में एक अनम्य नियम है कि आप सार्वजनिक धन को सरकारी खातों से बाहर नहीं रख सकते, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा किया। 3 विधियां हैं पैसा जमा करने की सरकारी, जिनमें सरकारी प्राप्तियां जमा की जाती हैं और जहां से वितरण किया जाता है। पहली, भारत की समेकित निधि, जिसमें इसके सभी राजस्व, ऋण और ऋण वसूली से जो पैसा मिलता है वो जमा किया जाता है। एक और होती है इमरजेंसी फंड या आकस्मिक निधि होती है, जो कुछ अत्यावश्यकताओं से होने वाले अप्रत्याशित व्यय से निपटती है, जिसका वर्तमान में कोष करीब 30,000 करोड़ रुपए तक सीमित है। और एक और निधि होती है सार्वजनिक खाता, जहां सरकार ट्रस्ट में पैसा रखती है। ये वो फंड हैं जो वास्तव में सरकार के नहीं हैं, जैसे भविष्य निधि फंड है, जैसे लघु बचत संग्रह है। लेकिन सरकार कैसे खेल कर रही है ये आपको उसे विभागों की हकीकत
जानकर समझ में आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक विभाग है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सर्वे सर्वा है, उनके अधिकार क्षेत्र में है। सीएजी ने कहा है कि वो विभाग है अंतरिक्ष विभाग, और यहां पर वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसने बैंकों के 16 चालू खातों में 154.94 करोड़ रुपए की राशि जमा की। जब सीएजी ने यह मामला अंतरिक्ष विभाग के सामने उठाया, उनसे पूछा, तो उसने कहा कि वो इन सभी खातों को तुरंत बंद कर देगा। अगर बंद कर देगा तो खोला क्यों गया? कैग इस जवाब से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसने पिछले साल ही यह मुद्दा उठाया था, एक साल पहले भी यह कैग ने कहा था, सितंबर 2021 में यह बात कही गई थी। अंतरिक्ष विभाग ने इन खातों को संचालित करने के लिए कैग यानी जो सरकार के मुनीम होते हैं उनसे मंजूरी उस समय मांग ली थी। 21-22 में सरकार ने व्यक्तिगत और कॉरपोरेट जो टैक्स पेयर होते हैं उन पर लगाए गए स्वास्थ्य और शिक्षा कर यानी हेल्थ और एजुकेशन सेस के माध्यम से 52,732 करोड़ रुपए की राशि जमा की। इस फंड का 60% या 31,788 करोड़ रुपया प्रारंभिक शिक्षा कोष में स्थानांतरित कर दिया गया, जो प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक गैर व्यक्तिगत निधि है। बाकी रकम जो थी वो माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में ट्रांसफर कर दी गई, यानी MUSK और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि यानी PMSSN को ये पैसा दिया जाना था, लेकिन इन्होंने गलत तरीके से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। MUSK को जुलाई 2017 में केंद्रीय कैबिनेट और मार्च 2021 में PMSSN द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। मार्च 2022 के आखिर में कोई भी इनका संचालन नहीं हुआ, मंजूरी दे दी गई। और इस साल मई में वित्त मंत्रालय ने कैग को यह बताया कि ये फंड 2022-23 में चालू हो जाएंगे, यानी इतने दिनों से पैसा लिया जा रहा, काम नहीं हो रहा। ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वो सक्रिय हैं भी या नहीं है, ये भी आम आदमी को नहीं पता। रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि कैसे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में जो आय मिली उसको नवंबर 15 में लगाए गए 0.5% स्वच्छ भारत उपकर से जो आय थी उसका क्या किया। इस तरह के बहुत सारे घालमेल सरकार ने किए हैं और एक एक करके इनका खुलासा हो रहा है, और ये खुलासा कौन कर रहा है? ये खुलासा कर रहे हैं कैग गिरीश चंद्र मुर्मू। इनके बारे में भी मैं आपको बता दूं, गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं, गुजरात काडर से आते हैं, लेकिन इनकी पैदाइश ओडिशा की है। 21 नवंबर 1959 को ये मयूरभंज जिले में पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई भी इनकी यही हुई। राज्य की जो उत्कल यूनिवर्सिटी है वहां से इन्होंने पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ली, बाद में ये इंग्लैंड चले गए, वहां की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से इन्होंने MBA की डिग्री ली, और फिर 26 साल की उम्र में ये IAS अधिकारी बन गए। कैग की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके मुताबिक गिरीश चंद्र मुर्मू के पास प्रशासनिक, आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों का काफी एक्सपीरियंस है, काफी अनुभव है। वो भारत सरकार में कई बड़े पदों पर भी हिस्सेदारी संभाल चुके हैं। उन्होंने व्यय विभाग में अलग अलग वक्त पर सचिव यानी सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर काम किया है। वित्तीय सेवा विभाग और राजस्व विभाग में विशेष तौर पर अतिरिक्त सचिव भी वो रहे हैं, तो उनको काफी एक्सपीरियंस है इस मामले में। केंद्र की जिम्मेदारियों से पहले गिरीश ने गुजरात में नरेंद्र मोदी के CM कार्यकाल के दौरान स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर और CM कार्यालय के प्रधान सचिव के तौर पर भी काम किया था। 3 साल पहले 8 अगस्त 2020 को उन्हें देश का कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया था। अब जब वो इस पद पर आ गए हैं तो उनकी जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं मोदी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाली है। तो देखना ये होगा कि अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्ष इसको कैसे टैकल करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे अपना बचाव करते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए दिब्लंट मीडिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत।